गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे, जहां पर इस दौरान अनिल बलूनी ने रोड शो किया, जिसका जमकर स्वागत किया गया। रोड शो में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल रहे। इस दौरान अनिल बलूनी ने उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाने की बात कही, साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भवन अब जर्जर हो गया है, अब कांग्रेस के सभी लोग भाजपा का रुख कर रहे हैं। पूरे देश में विकास का मंत्र है, उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाना है और विकसित गढ़वाल बनाना है। पलायन के लिए एक जंग छेड़ी है पलायन के खिलाफ, और प्रत्येक जो युवाओं को रोजगार का किसी प्रकार से सृजन हो वो करना है, उत्तराखंड को और गढ़वाल को एक आदर्श क्षेत्र घोषित करवाना है, इसी के लिए संकल्प है। विपक्ष को किस तरीके से देख रहे हैं, जैसा आज भी देखा कि पौड़ी और श्रीनगर में भी कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं बीजेपी में, दामन थम है, कांग्रेस की स्थिति? देखिए, कांग्रेस का जो भवन है वो जर्जर हो गया, जैसे मैंने बताया, और पूरी तरह से कांग्रेस निस्तानभूत हो गई है, कांग्रेस में अब कोई बचा नहीं है।